आज मैं बनाऊंगी मकर संक्रांति के लिए सर्दियों की फेवरेट त्योहार में बिना फेल एक ही बार में परफेक्ट बनके तैयार होगी। टिप्स के साथ बनाएंगे बहुत टेस्टी क्रिस्पी कुरकुरे, सुपर बाजार से अच्छे बनेंगे। घर पर तिल गुड़ की चिक्की या पट्टी और साथ में छोटे छोटे लड्डू भी। तो चलिए, हेलो फ्रेंड्स, सेविका किचन 321 में आप लोगों का स्वागत है। बाजार से भी बढ़िया क्रिस्पी मिठास सुपर बनाने के लिए, तिल गुड़ मूंगफली बनाने के लिए मैंने ये सामान लिया है। ये सौंठ है 2 चम्मच और ये मैं सूखा नारियल ली हूँ आधा, और ये गुड़ है जिसको जैगरी बोलते हैं, और ये है सिंगदाना, और ये है सफ़ेद तिल। अब इन सबका बना के मैं आपको चिक्की बना के दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आए। चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। इसको मान के आप चलिए, आप एक कटोरी से मैनेजमेंट कर लीजिएगा, एक पाव है ये, तो मैं इसमें गुड़ 2 पाव लूँगी, 2 कटोरी, और 2 कटोरी ही सेम टू सेम 2 कटोरी तिल भी लूँगी, ये भी 2 पाव हुआ, और ये सिंगदाना तिल का आधा कटोरी है ये। ये कटोरी थोड़ी सी बड़ी है, ये थोड़ी सी छोटी है, तो ये आधा ही कटोरी है। अभी मैं इसको हम घिसेंगे नहीं, इसको हम थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े, छोटे छोटे में मतलब काट लेंगे इसको। हम इसको इस तरह से इतना छोटा छोटा आपको काटना है, ऐसे ही काट लेना है। अभी मैंने गैस को स्टार्ट कर लिया, इसमें मैंने कढ़ाई रख दिया है, अभी हल्का सा गर्म है। इसमें मैं 2 कटोरी तिल डाल रही हूँ। ये हल्के आंच पे आप इसको भूनिएगा। भूनने से क्या होगा, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है, एक महक खुशबू सी आती है तिल में रोस्ट करने से, एक सोंधी सी खुशबू तिल में महक होती है, और इससे टेस्ट भी अच्छा बढ़ जाता है, इसलिए भूनना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं कीजिएगा, बस हल्का से जब चटकने लगे, जब ये भूनने लगेगा तो इसमें हल्का हल्का ये दाना जो है फूलने लगेगा, और इसमें से चटाचट की आवाज़ आएगी, चटचटाहट की। पैन में लगा रहेगा तो आँच जैसे ही लगेगा, जैसे ही पकने लगेगा, ये हल्का हल्का ये कलर भी बदलेगा और इसमें चटाचट की आवाज़ आएगी। जितने दाने होंगे वो हल्का सा सब रोस्ट हो जाते हैं। और इस तरह से बहुत ज़्यादा मत भूनिएगा, जैसे काला मत कीजिएगा, नहीं तो कड़वाहट पकड़ लेगा, ये कड़वा लगेगा। बस वो हल्का सा जब चटकने लगे और दाने लगे आपके फूल गए हैं, तो समझ लीजिए आपका हो गया और कलर हल्का सा चेंज हो जाए। अब इसको मैं बंद कर देती हूँ गैस को। इसको तुरंत कढ़ाई में नहीं रखें, इसको तुरंत दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दें, नहीं तो क्या है उसमें और ये जलने लगेगा। अभी मैंने वापस उसी गैस पे कढ़ाई को रख दिया है, अभी ये गर्म है वही कढ़ाई है। अभी मैं इसमें सिंगदाना डाल देती हूँ 1/2 कटोरी। ये धीमी हल्के आंच में ही आप इसको रोस्ट कीजिएगा, ये हल्का सा, आप ऐसे ज़्यादा मत रोस्ट कीजिएगा, बस हल्का सा इसका इसको भूनना है, बहुत ड्राई नहीं भूनना है इसको। ये रेसिपी ऐसी है कि ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी और साथ में ही बड़े को भी पसंद आएगी, बहुत ही मीठा और टेस्टी लगेगा ये। अभी देखिए सारे दाने ऐसे चटक गए हैं, और इसमें ऐसे देखिए यहाँ से फट गया है, और ऐसे करने पे हाथ से सब छिलका निकल रहा है। अभी ये हो गया है रोस्ट, इसको मैं निकाल लेती हूँ। अभी मैंने इसको पैन में से निकाल के मैंने एक कपड़े में फैला के और कपड़े की सहायता से मैंने इसको रगड़ दिया, और ऐसे करके मैंने देखिए सिंगदाने में मैंने 2 दाल पूरा मतलब जैसे इसको 2 भाग कर दिए। अभी इसका पूरा छिलका निकल गया है। अभी इसको मैं ऐसे करके निकाल के एक दूसरा बर्तन लेती हूँ, और इसमें जो जिसमें पूड़ी छानते हैं ना वही लेके इसमें आप इसको रख दीजिए, इस तरह से आप रखेंगे, आपके जितने भी छिलके होंगे वो आसानी से बिल्कुल आपके बर्तन में निकल जाएंगे।
आपको जरा सा भी परेशानी नहीं होगा, ना आपके घर में ज़्यादा करके ये छिलके उड़ेंगे ना कहीं पे, और अच्छे से आपके निकल भी जाएंगे और देखने में भी सुंदर लगेंगे। देखिए है ना कितनी अच्छी ट्रिक, इस तरह से आप सिंगदाने को एकदम साफ कर लीजिए। अभी मैंने गैस को स्टार्ट कर दिया है और मैंने कढ़ाई रख दिया है, इसमें मैं 2 कटोरी गुड़ डाल रही हूँ। इसको हल्का सा मेल्ट होने के लिए बस 2 चम्मच पानी डालिएगा, बहुत हल्का सा, सिर्फ 2 चम्मच। आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे ही गर्म होगा पूरा, वैसे ही पिघलने लगेगा। इसको हल्का सा बाइंडिंग में लाने के लिए, हल्का सा इसको पिघलने के लिए पानी डाला जाता है, जिससे इसकी बराबर कंसिस्टेंसी बनी रहे और पिघल भी जाए अच्छे से। और कढ़ाई में क्या है, हल्का सा जलेगा नहीं पानी, इसलिए हल्का सा डालना पड़ता है। और अगर आपको चिनगाहट जैसी नहीं चाहिए जैसे, तो आपको एकदम सॉफ्ट अगर चाहिए, आपको लड्डू बनाना है इसका तिल का, या फिर आपको चिक्की बनानी है, तो इसमें पहले पानी नहीं डाल के आप इसमें आप घी डालिएगा। इससे क्या होगा, वो सॉफ्ट लड्डू बनेंगे, एकदम नरम एकदम लड्डू बनेंगे। और अगर का आपको चिनके जैसा हल्का सा एक क्रंचीपन कुरकुरीपन चाहिए, तो इसमें हल्का सा पानी डालें। इसलिए मैंने, मुझे क्रंचीपन बनाना है इसीलिए मैंने इसमें हल्का सा पानी डाला है। अभी आपको जैसा फ्लेवर पसंद हो उस हिसाब से आप कर लीजिएगा, या तो इसमें घी डाल दीजिएगा तो एकदम नरम हो जाएगा, अगर पानी हल्का डालेंगे तो क्रंचीपन और कुरकुरी बनेगी और एकदम क्रिस्पी। अभी मेल्ट होने पे आप इसको बराबर चलाते रहें ताकि नीचे ये पकड़े ना, बराबर इसको धीमी आंच पे आप इसको पकाइएगा। आप इसी तरह ऐसे इसको चलाते रहेंगे। अभी देखिए कैसे गुड़ हल्का, देखिए बबल लेके ऐसे फूल गया है। आप जब बाजार से लाते हैं जिस तरह से, जिस खाने में जो टेस्ट रहता है, बिल्कुल मैं आपको वही टेस्ट उसी तरीके से मैं एक एक टिप बता रही हूँ, एकदम बिल्कुल आपका परफेक्ट बाजार जैसा बनेगा। आप बिल्कुल फॉलो करते जाइए मैं जिस तरह से बता रही हूँ। देखिए ऐसे ही गुड़ कैसे मेल्ट होके देखिए एकदम फूलना चालू हो गया। इसको और 2-3 मिनट अभी ऐसे भूनते रहिए, चलाते रहिए। अभी इसको चेक करने के लिए आप हाथों में हल्का सा पानी लगाइए और इस पे हल्का सा इस तरह से ऐसे ठंडा करके इस तरह से आप इस पे करिए। देखिए अभी बंद नहीं रहा, इसका मतलब ये हुआ नहीं है। अभी देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ऐसे चलाते चलाते यहाँ पे साइड में देखिएगा आपको कि यहाँ पे ऐसे छोड़ने लगता है। अब इस तरह से जब चलाएंगे तो बबल लेके ऐसा यहाँ पे बबल लेके उठेगा और ये कढ़ाई में ऐसा साइड से हल्का हल्का आपको छोड़ने लगेगा, यहाँ पे इस तरह से छोड़ने लगेगा। तो आप समझ जाइएगा कि गुड़ आपका बराबर हो गया है। और इसको दोबारा और दूसरी तरह से चेक करने के लिए हाथों में हल्का सा उंगली में पानी लगाइए। अब इस तरह से आप ऐसे लीजिए, अब इस तरह से ऐसे करिए, देखिए हमने जो लिया ये देखिए इस तरह से देखिए बंद गया। हाथ में पानी लगा के आप इसको जब ऐसे करेंगे तो बन गया। अभी मेरा गुड़ बिल्कुल रेडी हो गया है। इसी स्टेज पे मैं इसमें अभी इसमें मैं 1 चुटकी इसमें खाने वाला सोडा डाल रही हूँ। इसको इसमें डालने से क्या होगा, इसका कलर एकदम वाइट हो जाएगा गुड़ का, जरा भी आपको काला नहीं, मस्त एकदम कलर लाइट कलर दिखेगा एकदम, इसलिए सोडा डाला जाता है। और इससे एकदम क्रिस्पीपन और क्रंचीपन भी आता है सोडे से, बहुत ही क्या है गुड़ एकदम फूल जाता है, और सोडा पा के और गुड़ फूल जाएगा और इसमें क्रंचीपन आ जाएगा। और कलर भी क्या है एकदम गुड़ आपको एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगेगा एकदम लाइट कलर में, इसलिए सोडा डालते हैं। सोडा आप जरूर डालिएगा, इससे कलर आपका बहुत अच्छा आएगा। अगर गुड़ आपका जल भी गया होगा हल्का फुल्का, तो आप सोडा जब डालेंगे तो बहुत ही अच्छा कलर उतना अच्छा हो जाएगा। अभी देखिए मेरा गुड़ एकदम रेडी हो गया है। देखिए इसमें किस तरह से एकदम लफी दिख रहा है, देखिए। और यहाँ से ऊपर देखेंगे हल्का हल्का, देखिए ऐसा फूल रहा है। तो ये एकदम बराबर रेडी हो गया है। मैंने जो सोट लिया था वो डाल देती हूँ, इससे बहुत अच्छा ही टेस्ट आता है। गुड़ में जो खुशबू आती है सुंधी, बहुत ही अच्छी टेस्ट, इसका एक अलग फ्लेवर आता है। आप सोड डालेंगे, सोड का पाउडर, अगर आपको पसंद नहीं है इसकी खुशबू तो मत डालिए, लेकिन इससे क्या है गुड़ में जरूर डाला जाता है। ये हमारे यहाँ गांव में बनाते हैं तो जरूर बड़े बड़े जैसे उसको कराहा बोला जाता है, उसमें गुड़ जब पकाते हैं तो इसी तरह से बनाते हैं। मैं आपको उस तरह से बिल्कुल बता रही हूँ। देखिए इसमें
इस तरह से आप सौंठ डाल दीजिए, इसकी खुशबू बहुत बढ़ जाएगी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको आप, गैस को मैंने बंद कर दिया है, अभी मैं इसमें तिल डाल दे रही हूँ। अब आप इसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर लीजिए, बराबर एकदम चलाते हुए पूरा मिक्स कर लीजिए। अभी मैंने इसको बराबर एकदम मिक्स कर लिया है, अभी मैं इसको नीचे प्लेट में फैलाती हूँ। अभी आप इसको, मैंने एक प्लेटफॉर्म पे किचन के ही मैंने इसे फैला दिया, इस पर घी लगा दिया, आप चाहे किसी बर्तन में भी फैला सकते हैं। अभी इसके ऊपर मैं, अरे आप इस पर हल्का सा इसे बीनस फैला दीजिए सर, सिंगदाना, और इसके ऊपर हल्का सा ये नारियल जो हमने काटा था वो इस तरह से डाल दीजिए। अभी आप इस तरह से ऐसे इसके ऊपर ऐसे गिराते जाइए, वापस यही नारियल का कटा हुआ और सिंगदाना का सब टुकड़ा आप इस तरह से फैला दीजिए। आप इस किसी कटोरी, गर्म रहेगा इसलिए आप गर्म ही आप फैलाइएगा, नहीं तो फैलेगा नहीं, इसलिए आप जल्दी फटाफट ठंडे नहीं होने दीजिएगा इसको, कटोरी से इस तरह से आप फैला दीजिएगा। अब इसके ऊपर ये डाल के आप सब, जब ये गर्म रहे तभी आप इस तरह से आप निशान बना लीजिएगा स्क्वायर का, नहीं तो क्या है बाद में नहीं कट पाएगा ये, इसलिए गर्म ही रहे तभी आप इस तरह से बना लीजिएगा, इस तरह से काट लीजिएगा। अभी मैंने इसको ऐसे काट के शेप में छोड़ दिया है, अभी ये ठंडा होने दीजिए। मैंने थोड़ा सा मैंने कढ़ाई में बचा लिया था, उसमें मैंने वो सारे सामान नारियल और सिंगदाना डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया, अभी ये ठंडा ना होने पाए उसके पहले ही आप इसको ऐसे गोल गोल छोटे छोटे आप बना लीजिए, लड्डू के माफी देता हूँ, इस तरह से बहुत आसानी से बन जाता है। अब इसको ठंडा नहीं होने दीजिएगा, बस इतना याद रखिएगा। अब इस तरह से आप बांध दीजिए छोटे, अभी मैंने देखिए पूरा गोल गोल बना लिया है एकदम अच्छे से। देखिए कितना देखने में एकदम लुकिंग अच्छा, देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, एकदम मीठा मीठा एकदम टेस्टी लड्डू बनके तैयार हो गया है। तिल गुड़ का और सिंगदाना, इसमें जो मैंने नारियल डाला है इससे बहुत अच्छा ही फ्लेवर आता है इसमें, और खुशबू इसका जो है, इसमें मैंने सौंठ डाला है उससे बहुत बड़ा टेस्ट आता है, बहुत ही टेस्ट आता है, इसलिए ज़रूर आप इस तरह से बनाएं। अभी इधर हम देख लेते हैं, हमने जो प्लेटफॉर्म पे रखा था, अभी इस तरह से देखिए मैं सब निकाल लेती हूँ आराम से। देखिए मैंने सब कितना अच्छा से सब निकाल लिया है, देखिए, और इसको दिखाती हूँ इसका मैं टेस्टर, दिखाती हूँ मैं इसका टेस्टर। देखिए वापस मैं दूसरा लेती हूँ, ये देखिए इसमें इतना अच्छा आवाज़ आएगा, देखिए आएगा एकदम खटाक से, एकदम कुरकुरा क्रंची बना है ये। मैं आपको इसको, ये देखिए बहुत ही एकदम कुरकुरा बना हुआ है, देखिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है ये, आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही देखने में भी सुंदर और खाने में भी टेस्टी लगता है ये। अभी ये देखिए एकदम सुपर क्रिस्पी कुरकुरी तैयार हुई है, और 10 मिनट में ये आप इसको, 10-15 मिनट में आप इसको इजी झटपट बना सकते हैं आप, और इस त्यौहार आप इसका लुत्फ़ उठाइए मीठा मीठा त्यौहार में, और ये मकर संक्रांति आप मनाइए, आप इस चिक्की इस तरह से बना के पीस वाला, और देखिए इसकी आपको खड़खड़ाहट सुनाती हूँ कितना अच्छा आवाज़ आएगा आपको, देखिए बहुत ही अच्छा बना है। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइट है आपके दांतों में चिपकेगा या तनेगा, ऐसा नहीं है, ये ऐसा कुरकुरापन है एकदम खाने में, एकदम टेस्टी आपको लगेगा, एकदम चिंगा बोलते हैं उस तरह से है ये। और अगर आपको इस तरह से हल्का कुरकुरा नहीं चाहिए तो आप इसमें तेल की जगह घी यूज कीजिएगा, तो एकदम वो सॉफ्ट बनेगा, आपके ऊपर है, आपको जिस तरह से खाने का इच्छा हो उस तरह से आप बना दीजिएगा। ये क्रिस्पी मैंने बना के आपको दिखाया है, और सेम टू सेम इसी तरीके से मैंने वही टेस्चर और वही खुशबू सब वही है, मैंने उस तरह से मैंने दूसरे तरीके से सिर्फ मैंने देखिए लड्डू बना दिया है।
आप इस तरह से जरूर बनाइए, इस त्यौहार में बहुत ही पसंद आएगा आपको। आपको बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर पे आप एकदम आसान तरीके से घर पे तैयार कर सकते हैं। इसे आप टाइट कंटेनर में भर के महीने तक स्टोर करके आप रख के आप इसको खा सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही टेस्ट, बच्चों को बहुत पसंद आती है ये और बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी। ज़रूर आप इस तरह से ज़रूर बनाइए। और ये तिल, गुड़ और इसमें ये जो पीनट हमने डाला है और नारियल, आप इन सब चीज़ों से आप बनाएं झटपट और बहुत ही टेस्टी। आप एक बार तो ज़रूर बनाइएगा इस तरह से और आप बना के बताइए कि आपको कैसी लगी है मेरी रेसिपी, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं अगली रेसिपी के साथ मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।